हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज एल्जेब्रा का पार्ट फाइव होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी भी पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री या पार्ट फोर नहीं देखा है, आप जल्दी से जल्दी देख लीजिए, उसके बाद ही पार्ट फाइव में आए। क्योंकि आप अगर कंसिस्टेंसी में नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पार्ट वन पार्ट टू से साथ रिलेटेड है, पार्ट टू पार्ट थ्री से साथ रिलेटेड है। तो पार्ट फाइव आप डायरेक्ट मत देखिए, पार्ट वन पहले, पार्ट वन इसके बाद पार्ट टू, उसके बाद पार्ट थ्री, उसके बाद पार्ट फोर, उसके बाद पार्ट फाइव में आइए, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं कुछ रूल्स आपको दिखाता हूं, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन में जाऊंगा, ठीक है। तो देखो रूल्स, देखो क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी आपका जीरो होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। और टोटल तीन है, ठीक है। देखो और एक होता है कि ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और एक है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इक्वल्स टू जीरो, और ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू जीरो। और एक है हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अगर इस थ्री रूल्स आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहां से इसमें आया और इसमें इसमें आया, ठीक है। तो आपको सिर्फ याद रखने से हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसे आया ये आपको जानना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे आपको याद रखने से हो जाएगा, ठीक है। अगर मानो कि कोई भी जो क्वेश्चन में अगर होगा तो वहां पे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर जीरो होगा, ठीक है, इसका वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो होगा तो इस जो थ्री लॉ है, थ्री रूल से ये आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस जो बात मैंने बोला है, इस बात को आपको ठीक से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और एक बार मैं बोल देता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू जीरो, और ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू जीरो, और हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस तीन चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर कोई भी मैथ में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा तो डायरेक्ट वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन में आते हैं। देखो भाई, जैसा फ्रेमिंग दिया हुआ था, हमने देखा था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट घबरा मत जाइए कि वहाँ पे एक्स था या फिर वहाँ पे ए था, बी था या फिर एक्स वाई, ठीक है, एक ही होता है, ठीक है। पी पी क्यू भी आ सकता है, कोई भी दे सकता है, वो एग्जामिनर का बात है, ठीक है। तो देखो एक्स इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 225 एंड वाई का वैल्यू दिया हुआ है, देन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड का आपको वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्स का मान क्या है, क्या है 225, वाई कितना है 226, जेड कितना है 225। तो आपको देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू सेकेंड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स का सॉरी वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का आपको मान क्या होगा, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 225 और 225 क्या होता है 450, और 450 प्लस 226 क्या होता है 676। और ये देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई अगर करेंगे तो
क्या होगा, वन स्क्वायर, ठीक है। तो वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, वन स्क्वायर क्या होगा, और क्या क्या है, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो जेड माइनस एक्स तो क्या होगा, जीरो होगा, जीरो तो जीरो ही होगा, तो हाफ इंटू सिक्स सेवन सिक्स वन प्लस वन, ठीक है, वन प्लस वन क्या होगा, टू होता है, तो टू टू चला गया, तो 676 ये आपका आंसर है। और एक बार देखा तू, एक्स जेड का मान दिया हुआ है, वाई का मान दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, जैसे पिछले आपको समझाया कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख के लिखने के बाद डायरेक्ट जो वैल्यू है वो मान है वो मैंने बैठा दिया, उसके बाद ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है, ज्यादा फिर रॉकेट साइंस का बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर का क्वेश्चन है, एक्स इक्वल टू टू, वाई इक्वल टू वन, जेड इक्वल टू माइनस थ्री, जेड इक्वल टू माइनस थ्री, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। देखो इस सवाल में आपको देख के ही, आपको देख के आपको आपको आंसर हो जाएगा। जो चीज मैंने बताया फर्स्ट में कि कोई भी मैथ में अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो होगा, देन एग्जामिनर कोई भी पूछे, ठीक है, कोई भी पूछे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब, वो जीरो हो जाएगा, ठीक, या पे क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है, या पे क्वेश्चन मार्क होगा इसका वैल्यू। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू वन, जेड इक्वल टू माइनस थ्री, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होता है, टू प्लस वन थ्री, माइनस थ्री इक्वल टू जीरो हो गया। तो क्या होगा, अगर जीरो होगा तो इसका मान भी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब, तो डायरेक्ट आप लिख दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, इसका वैल्यू जीरो, ठीक है। देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान आपको पूछा है, ठीक है। तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, हम क्या जानते हैं, ए प्लस सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन तो ए क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू जीरो, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी, ये आपका आंसर है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, ये जो फ्रेमिंग है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सिक्स, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान आपका टेन दिया हुआ है, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड का मान पूछा है। तो आपको इस जो लाइन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इस लाइन को देख के आपको दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि ये कौन सा फ्रेमिंग में होता है। तो ये दो नंबर आपका जो लॉ मैंने बताया, रूल्स बताया, उस दो नंबर का फ्रेमिंग में ऐसा दिखाए हम। तो देखो वो फ्रेमिंग क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऐसा फ्रेमिंग में देखा था। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका मान आपका दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान आपको सिक्स दिया हुआ है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अगर हम लिखेंगे, सेकंड ब्रैकेट दे दिया और माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो क्वेश्चन थोड़ा देखो, इसके बाद सिक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आपका यहाँ पे प्लस होगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इसका मान क्या था, टेन था, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही
ऐसा प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखो अभी ऐसे रखते हैं इसको, तो अभी क्या करना पड़ेगा इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको देखो क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का अगर स्क्वायर कर दो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इसका मान सिक्स था, तो सिक्स का स्क्वायर 36, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू इसका मान था 10, 20, तो 20 को अगर इधर ले आएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा बोलो, 36 माइनस 20 16, इस 16 को यहाँ पे पुट कर दो, 6 इंटू 16 माइनस 10 96, सॉरी यहाँ पे आपका ब्रैकेट था, 6 × 6 = 36 आपका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, तो आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।